वेलकम बैक व्यूअर्स। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का चीन में यहूद के मुसलमानों पर जबर व तशद्दुद पर चीनी सदर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का साबिक सदर अफगानिस्तान हामिद करज़ई से टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान के हवाले से अहम मामलात पर पाकिस्तान आने की दावत। रूसी सदर का अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर। दूसरी तरफ तालिबान का अपने मुतालबात के बदले जंग बंदी की पेशकश। इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सफारत खाने का इफ्तिताह। इसराइल की सरजमीन पर यूएई सफारत खाना खोलने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को एक बड़ी गलती करार दे दिया। तफसीलात जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त आते रहें। चलते हैं तफसीलात की जानिब। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने चीनी हमनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू में संकियांग में यहूर मुसलमानों पर जबर और तशद्दुद के वाकयात पर तश्वीश का इजहार किया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर तैयब अर्दोगान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन किया और दो तरफा ताल्लुकात समेत संकियांग में यहूर मुसलमानों के मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की। सदर तैयब अर्दोगान का कहना था कि संकियांग के यहूर मुसलमानों को भी चीन के दीगर शहरियों की तरह पुरअमन और आजादाना माहौल में रहने का हक हासिल होना चाहिए। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि हम चीन की सलामती और सरहदों का एहतराम करते हैं, लेकिन संकियांग में यहूर मुसलमानों की जबरी गिरफ्तारी और हरासती इदारों में मजहब की तब्दीली के लिए दबाव डालने के वाकयात पर तश्वीश है। ये अमल बंद होना चाहिए। सदर तैयब अर्दोगान ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि तुर्क चीन दोस्ती के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न शायान शान तरीके से मनाया जाना चाहिए। अक्वामे मुत्तहिद और इंसानी हकूक के दीगर तंजीमों के अदाद शुमार के मुताबिक 10 लाख के करीब मुस्लिम अकलियतों जिनमें अक्सरियत तुर्क जबान बोलने वाले यहूर मुसलमानों की है को हरासती मराकज में रखा गया और मजहब की तब्दीली के लिए जहन साजी की गई। गुज़श्ता बार जब चीन और तुर्की के दरमियान बड़े तजारती मायदे तय पाए थे तो तुर्की में रहने वाले 40,000 यहूर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था और चीनी सफीर की आमद पर अंकरा में एक बड़ा मुजाहरा भी किया गया था। वाज़ेह रहे कि चीन अक़वामे मुत्तहिदा समेत दीगर इंसानी हकूक की तंजीमों के हरासती मराकज में यहूर मुसलमानों के जबरी मजहब की तब्दीली के दावों को मुस्तरद करती आई है। ताहम बाद में तस्लीम किया कि दरअसल ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करेंगे वीडियो के दूसरे टॉपिक पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई से टेलीफोनिक राबता करते हुए उन्हें अफगानिस्तान के हवाले से अपने दीगर रहनुमाओं के हमराह पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्वीट में वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हामिद करज़ई को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशें करेगा। तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी शहर चमन के मुकाबला आबाद अफगानिस्तान के सरहदी शहर वैश में अफगान फोर्सेज से कंट्रोल हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी सरहद सील कर दी। चमन में ज़राए के मुताबिक तालिबान ने मंगल की शब लड़ाई के बाद वैश पर कंट्रोल हासिल किया, जबकि अफगान सरकारी फौज ने अपनी पोजिशन के दिफा की कोशिश में हेलीकॉप्टर गनशिप का भी इस्तेमाल किया। ज़राए ने बताया कि पाक अफगान सरहद पर बाप दोस्ती को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरहद पर हर किस्म की ट्रैफिक और आमदोरफ्त रुक गई। ज़राए का कहना है कि तालिबान ने बाप दोस्ती के ऊपर और वेश के दीगर मकाम से अफगानिस्तान को कौमी परचम हटा दिया है और उसके बजाय तालिबान का परचम लहरा दिया गया है। चमन इंतजाम के एक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वेश मंडी जो कारोबारी सरगर्मियों के अलावा पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ अफगान तजारत के लिए बहुत अहमियत रखती है पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी हकाम ने सरहद पर अपनी फोर्सेज को अलर्ट कर दिया है और किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए सरहदी इलाकों में इजाफी दस्ते तैनात कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। अफगानिस्तान के लिए रूस के आला अहदेदार ने अफगान हुकूमत पर मुनाफकत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गैर मुल्की खबर एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदा खसूसी ज़मीर कबुलोव ने ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए खबरदार किया कि अफगान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। कबुलोव ने रूसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अफगान हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर सिर्फ लापरवाही से काम ले रही है, जो काफ़ी नहीं। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से अफगान हुकूमत के मौक़िफ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनाफ़िकत है, यह हकीकत से आंखें मोड़ने की कोशिश है। उनका कहना था कि अमरीकी और
स्पेशल फोर्सेज के इंखलास से अफगानिस्तान को फायदा हुआ है और जारी तनाज़े का वाहिद हल तमाम फरीकैन को काबुल में मुज़ाकरात की मेज पर एक साथ बिठाना है। उन्होंने कहा कि रूस और दीगर इलाकाई ताकतें अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के हामी हैं। गुज़श्ता हफ्ते मास्को में तालिबान के वफद ने कहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान में 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसको अफगान हुकूमत ने मुस्तरद करते हुए रूस से कहा था कि वो अपने मुल्क को दूसरों पर हमला करने के लिए प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान हुकूमत को जेलों में मौजूद तालिबान कैदियों की रिहाई के बदले 3 महीने के लिए सीज फायर की पेशकश की है। अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान से अमन मुजाकरात में शामिल नुमाइंदा नादर नादरी ने रिपोर्टर को बताया कि तालिबान ने तकरीबन 7,000 कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि तालिबान के अहम रहनुमाओं के नाम अक़वामे मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से भी निकाले जाएं, तहम ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के इनकला के बाद तालिबान ने अफगान अफवाज को पीछे धकेलते हुए मुतअद्दिद अज़ला का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा अफगान सरहदों पर भी तालिबान तेजी से काबिज हो रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद शहरों को कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान और अफगान फोर्सेज में शदीद झड़पें जारी हैं। अब हम बात करेंगे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में तेजी से पेशरफ्त का सिलसिला जारी है और इसराइल की सरजमीन पर मुत्तहिदा अरब अमारात सफारतखाना खोलने वाला पहला मुल्क बन गया। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजाम की जानिब से तैयार करदा अब्राहम मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने गुज़श्ता साल इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया था। गुज़श्ता माह ही मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले इसराइली सफारतखाने की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई थी, जिसके बाद आज तल अबीब स्टॉक एक्सचेंज में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाने का इफ्तिताह हुआ, जिसकी तकरीब में इसराइली सदर ने भी शिरकत की। दोनों फरीकैन ने बाहमी करीबी ताल्लुकात के नतीजे में तजारत और सरमायाकारी के मौके का खैर मुकदम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर मोहम्मद अल खजान ने अमारत के बाहर अपने मुल्क के परचम कुशाई के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताल्लुकात में बहाली के बाद हमने पहली मरतबा तजारत और सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की है और मईशत, फिजाई सफर, टेक्नोलॉजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों के हवाले से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इसराइल के सदर ने सफारत खाने के क्याम को मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल अमन, खुशहाली और सिक्योरिटी की जानिब सफर में अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के झंडे को तल अबीब में लहराता देख कर ऐसा महसूस होता है कि एक साल कबल देखा गया दरीना ख्वाब पूरा हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करेंगे वीडियो के आखिरी टॉपिक पर। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से नीटो अफवाज की दस्तबरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि शहरियों को तालिबान के कत्लेआम के लिए छोड़ दिया गया है। खबर एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने जर्मन नशरियाती इदारे को बताया कि मैंने और लारा बुश ने अफगान खवातीन के साथ बहुत वक्त गुजारा है, वो बहुत खौफजदा हैं। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अमरीकी फौज बल्कि नीटो अफवाज की मदद करने वाले तमाम तर्जुमानों को ऐसा लगता है कि बहुत ही जालिम लोगों के जरिए कत्ल करने के लिए छोड़ा गया है और इससे मेरा दिल टूट गया। जॉर्ज बुश से सवाल किया गया कि क्या अफगानिस्तान से फौजियों का इनखलाई गलती थी, तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ऐसा ही समझता हूँ। न्यूयॉर्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 सितंबर 2001 को बदतरीन हमलों के बाद 2001 में ही अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान भेजने वाले साबिक रिपब्लिकन सदर का कहना था कि मेरा मानना है कि जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल भी ऐसा ही सोचती हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने रवा बरस मई के शुरू में अफगानिस्तान से इंखलाब का आगाज कर दिया था और 20 साल तक जंगजदा मुल्क में रहने के बाद 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।